हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जहां एक ओर मनरेगा लोगों के लिए काफी कारगर सिद्ध हुई है, वहीं वित्त योजनाओं के तहत अब तक मनरेगा के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों के जेब में 100 करोड़ से ज्यादा की धनराशि आ चुकी है। गाँव के अंदर मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के तहत काम चला है, तो वहीं दूसरी तरफ कन्वर्जेंस में पंचायतों द्वारा 1 साल 5 काम की योजना के तहत बड़े बड़े काम चलाए जा रहे हैं, जो कि 5 लाख से लेकर 20 लाख तक है। मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत लोगों को गांव में काम भी मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव के भीतर एक आधार पूर्व ढांचा भी खड़ा हो रहा है। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि देश विदेश में विभिन्न उद्योग तथा कारखाने ठप पड़े हैं, वहीं गांव में मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग और विभिन्न योजनाओं के तहत विकास हुआ है। लॉकडाउन के चलते उद्योग ठप हुए हैं, वहीं इस दौरान खेती के चलते भूमि सुधार हुआ है। पंचायती राज प्रयास कर रहा है कि सैबी के माध्यम से गांव में छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के साधन दिला सके। मनरेगा बहुत ही मददगार जो है वो साबित हुई है, और वैसे वित्तियों के भी कार्य जो है वो साथ चलते रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कोई 100 करोड़ के ज्यादा जो राशि धनराशि है अपने इस छोटे से कार्यकाल में अप्रैल से मई जून के बीच में जो है वो सीधे तौर पर जो है वो लोगों की जेब में गई है। जहाँ गांव के अंदर मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के माध्यम से जहाँ पूरी तरह से काम चला है, और दूसरी तरफ हमने कन्वर्जेंस में 1 साल 5 काम हमने शुरू करके रखे हैं, बड़े बड़े काम गांव के अंदर 20 लाख 50 लाख यानी 5 लाख से ज्यादा के बड़े काम आज मनरेगा कन्वर्जेंस में जो है वो हमने किए हैं, और जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और गांव के अंदर एक आधारभूत ढांचा भी जो है वो खड़ा हो रहा है। तो सर हम माने कि गांव के अंदर चाहे मनरेगा रहा है, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से अन्य योजनाएं रही हैं, चाहे वो कृषि और पशुपालन विभाग रहा है, जहां पूरे देश के अंदर हर इंडस्ट्री जो है वो फेल हुई है लॉकडाउन में और कोरोना के कारण, वहीं मनरेगा के कारण जहां खेती हुई है, लैंड लेवलिंग हुई है, भूमि सुधार हुआ है, तो हम एग्रीकल्चर ग्रोथ हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ी है। हम 2% से 3.5% से इसको लेकर के गए। मैं ये समझता हूं कि ये जो लोग जो विस्थापित हुए हैं, हम थोड़ा सा और प्रयास करें तो जो हमारा एक पुश्तैनी जो हमारे कारोबार थे जिनके माध्यम से गांव के अंदर रोजगार मिलता था, लोग उसी को एक रोजगार का आधार, हम वैसे इंटरप्रेन्योर छोटे छोटे उद्योग जो है वो हम गांव के अंदर खड़ा करके जो है वो लोगों को रोजगार के साधन जो है वो उपलब्ध करवा सकते हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।